हेलो गाइस, टॉप एंड्रॉइड गेम की सीरीज में आप सभी लोगों का प्रो गेमर एक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मजेदार नए एंड्रॉइड गेम्स के बारे में, जिनके अंदर आपको हाई क्वालिटी के ग्राफिक के साथ साथ मजेदार गेम प्ले एक्सपीरियंस तो देखने को मिलने ही वाला है। और ये सारे गेम्स अलग अलग कैटेगरीज के होने की वजह से ये सारे गेम्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं मजेदार गेम्स के बारे में जानने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो और आप ऐसे ही एंड्रॉइड गेम्स से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, बिना देरी के चलिए इस मजेदार न्यू एंड्रॉइड गेम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आता है। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं रेस मैक्स प्रो गेम से। दोस्तों, रेस मैक्स प्रो गेम एक बिल्कुल ही नया ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम है, जिसके अंदर आपको जीटे गेम के जैसे ही सिमिलर ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही बहुत ही रियलिस्टिक एनवायरनमेंट के अलावा बहुत ही रियलिस्टिक कार रेसिंग गेम प्ले एक्सपीरियंस भी आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल सकता है। और तो रेसिंग करने के लिए इस गेम के अंदर आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स व्हीकल के ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपको अपने लेवल को अपग्रेड करके अनलॉक करना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें आप अपनी व्हीकल को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करूं तो रेस मैक्स प्रो गेम एक बहुत ही शानदार ओपन वर्ल्ड हाई क्वालिटी का रेसिंग गेम है, जिसका साइज 500 एमबी तक होने की वजह से आप इसे आसानी से प्ले स्टोर पर जाकर अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर सकोगे। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 9th नंबर गेम का नाम है नोवास हार्ट। दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार एक्शन एडवेंचर टाइप का ओपन वर्ल्ड गेम है, जिसके अंदर आपको काफी हाई क्वालिटी के 3D ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही। और बात करें इस गेम के साइज की तो 1.7 GB का साइज होने के साथ ही इस गेम में आपको काफी अच्छा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको इस गेम की स्टोरी लाइन को कम्प्लीट करने के साथ साथ अलग अलग तरह के एडवेंचर मिशंस को कम्प्लीट करना पड़ेगा। और इस गेम में दिया गया ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैंटेसी होने की वजह से इसमें आपको बहुत सारे मैजिकल स्पेल से लेकर जेटपैक जैसे गैजेट का इस्तेमाल करना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्शन एडवेंचर टाइप का ओपन वर्ल्ड गेम ढूंढ रहे हो तो ये गेम आपके लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकती है, जिसे आपको जरूर से अभी ट्राई करना चाहिए। गाइस, 8th नंबर गेम का नाम है अरीना ब्रेकआउट। दोस्तों, अरीना ब्रेकआउट गेम भी एक बहुत ही हाई क्वालिटी का फर्स्ट पर्सन शूटर ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम है, जिसका साइज आपको 2 GB तक देखने को मिलेगा और 2 GB के अंदर आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक के साथ साथ बहुत ही अच्छा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मॉडर्न वॉरफेयर का जैसा ही सिमिलर गेम प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। और इस गेम के अंदर आप असॉल्ट राइफल से लेकर शॉटगन, पिस्टल, स्नाइपर राइफल जैसी अलग अलग तरह की वेपन का इस्तेमाल इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में करके अपने कैरेक्टर को सर्वाइव रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी फर्स्ट पर्सन शूटर ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम खेलना है तो ये गेम आपके लिए काफी मजेदार चॉइस हो सकती है, जिसे आपको जरूर से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई करना चाहिए। गाइस, 7th नंबर पर है कार एक्स स्ट्रीट। दोस्तों, कार एक्स स्ट्रीट एक बहुत ही मजेदार ओपन वर्ल्ड कार ड्राइविंग सिमुलेटर टाइप का ही गेम है, जिसके अंदर आपको इस गेम में बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि इस गेम का साइज ही आपको 800 MB तक देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट की तो आपको इस गेम में अलग अलग लोकेशन पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कार रेसें कंप्लीट करने को तो मिलेंगे ही, और जितनी ज्यादा रेसों को आप इस गेम के अंदर विन करते हो उतने ही ज्यादा पैसे कमा के आप आगे के लेवल्स के लिए अलग अलग तरह की कारों को भी अनलॉक कर पाओगे, जो इस गेम का एक और मजेदार फीचर है। तो गाइस, अगर आप भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर एक बहुत ही हाई क्वालिटी वाला कार रेसिंग गेम खेलना चाहते हो, जिसमें आपको अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करने को भी मिले, तो जरूर से इस गेम को भी आपको अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई करना चाहिए। गाइस, नंबर 6 पर है हेलो नेबर्स डायरीज। दोस्तों, हेलो नेबर्स डायरी एक बहुत ही ज्यादा मजेदार ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम है, और इस गेम के अंदर आपको अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए अपने नेबर के घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे आप इस गेम के टास्क को कम्प्लीट करते जाओगे, आपकी स्टोरी भी इस गेम के अंदर आगे बढ़ती रहती है, और टास्क कम्प्लीट करते करते नेबर से भी आपको इस गेम के अंदर सर्वाइव करना पड़ता है। और उनसे सर्वाइव करने के लिए इसमें आपको बहुत सारे गैजेट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे,
होंगे जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से इस गेम के अंदर सर्वाइव कर पाते हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर एक हाई क्वालिटी का सर्वाइविंग गेम खेलना पसंद है तो हेलो नेबर डायरी गेम को भी जरूर से आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हो, नंबर 5 पर है ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। दोस्तों, ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर गेम एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पीसी गेम का ही मोबाइल वर्जन गेम है जिसके अंदर आपको रियल लाइफ सिमुलेटर टाइप का ही गेम प्ले एक्सपीरियंस तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही बहुत ही अच्छा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट होने की वजह से इसमें आप बिजनेस टाइप के ट्रेड करके इस गेम के लेवल को आसानी से कम्प्लीट कर पाते हो। साथ ही साथ इसमें आपको अपने व्हीकल परचेज करने के अलावा आप इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग तरह की शॉप को ओपन करके आसानी से ट्रेड कर पाते हो, जिससे ये गेम एक बहुत ही शानदार रियलिस्टिक ट्रेड सिमुलेटर गेम बन जाता है जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। गाइस, नंबर 4 पर है गोर बॉक्स एनोमोसिटी। दोस्तों, गोर बॉक्स एक बहुत ही ज्यादा मजेदार फास्ट पेस फर्स्ट पर्सन शूटर फाइटिंग गेम है जिसके अंदर आपको एक बहुत ही मजेदार ओपन वर्ल्ड एरिया के अंदर अलग अलग तरह के एनिमीज को एलिमिनेट तो करना ही पड़ता है और तो और कार चलाने से लेकर आपको इस गेम में बैंक रॉबरी टाइप के मिशन कम्प्लीट करने को मिल जाएंगे जिन्हें कम्प्लीट करके आप आगे के लेवल्स को आसानी से अनलॉक भी कर पाते हो। इसके अलावा भी इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपको बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करने को भी मिलेंगी जो इस गेम को एक बहुत ही ज्यादा मजेदार ओपन वर्ल्ड गेम बना देती हैं, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई कर पाओगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हो, नंबर 3 पर है ईथर गेजर। दोस्तों, ईथर गेजर एक बहुत ही ज्यादा मजेदार हाई क्वालिटी का ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम है जिसके अंदर आपको एक वॉरियर का रोल प्ले करके आपको इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग तरह के एनिमीज और एलियन के साथ फाइट करने को मिल जाता है और उनसे फाइट करने के लिए आपको इस गेम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही आप अलग अलग तरह के स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके भी एलियंस को इजीली डिफीट कर पाते हो और फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट्स होने की वजह से इस गेम का गेम प्ले भी आपको फ्यूचरिस्टिक लगेगा जिससे ये गेम एक बहुत ही ज्यादा शानदार आरपीजी गेम बन जाता है और 1GB का साइज होने की वजह से इस गेम को आप 3GB या 4GB वाले स्मार्टफोन डिवाइस पर भी आसानी से खेल सकोगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और नंबर 2 पर है टॉय राइडर। दोस्तों, टॉय राइडर एक बहुत ही ज्यादा मजेदार कार रेसिंग गेम है जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह की टॉय कार का इस्तेमाल करके कार रेसिंग करनी पड़ेगी और ऑनलाइन गेम होने की वजह से इस गेम में आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके भी एक साथ रेस कर पाते हो। और बात करें इस गेम के मैप की तो इसमें आपको अलग अलग तरह के रेसिंग मैप के ऑप्शन भी दिए गए हैं जिससे ये गेम और भी ज्यादा मजेदार रेसिंग गेम बन जाएगा। इसके अलावा 400MB का साइज होने के साथ ही इसमें आपको काफी अच्छे ग्राफिक देखने को मिलेंगे जिससे इस गेम को आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी और नंबर 1 गेम का नाम है ZOZ फाइनल आवर। दोस्तों, ZOZ फाइनल आवर गेम एक बहुत ही ज्यादा मजेदार हाई क्वालिटी का थर्ड पर्सन शूटर ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है और इस गेम के अंदर आपको एक काफी अच्छी ओपन वर्ल्ड सिटी के अंदर अलग अलग तरह के ज़ॉम्बी से सर्वाइव करने के साथ ही अपने मिशंस को भी कंप्लीट करना पड़ेगा और मिशंस को कंप्लीट करके आप इस गेम की स्टोरी को भी आगे बढ़ा सकते हो। और तो और ऑनलाइन गेम होने की वजह से इस गेम में आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके भी एक साथ खेल पाओगे। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करूं तो ZOZ गेम एक बहुत ही हाई क्वालिटी का थर्ड पर्सन शूटर ओपन वर्ल्ड गेम है और 2.4GB का साइज होने के साथ ही इसमें आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के 3D ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएंगे जिससे ये गेम एक बहुत ही ज्यादा शानदार ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम बन जाता है और इस गेम को भी आपको जरूर से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर ट्राई करना चाहिए। तो गाइस, ये थे कुछ मजेदार टॉप 10 बेस्ट न्यू एंड्रॉइड गेम्स जिन्हें आपको अगस्त मंथ में जरूर से अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर खेलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लीजिएगा जिससे फ्यूचर में आने वाली गेम्स रिलेटेड अपडेट्स को आप मिस नहीं कर पाओगे और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा नया गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।